अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए टेक्सला, जिसका पुराना नाम टेक्सशाला था, एक बहुत ही अहम और मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। यहाँ हजारों जायरीन और सयाह हर साल आसार कदीमा की साइट्स और बुद्ध मत साइट्स को विजिट करने आते हैं, जिन्हें सर जॉन हॉबर्ट मार्शल और उनकी टीम ने खुदाई के दौरान दरियाफ्त किए। दोस्तों, आज जिस साइट को हम विजिट करने आए हैं, इसे 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। माजी के इस शानदार शहर को दुनिया भिंड माउंट के नाम से जानती है। भिंड माउंट का आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल होना ही इन आसार की खुसूसी अहमियत को जाहिर करती है। दोस्तों, कदीम टेक्सला का कदीम तरीन शहर भिंड माउंट की बाकियात रेलवे स्टेशन टेक्सला और तमरा नाला के दरमियान वाकया है, और टेक्सला म्यूजियम के मरकजी गेट के बिल्कुल साथ चारों तरफ से लोहे की ग्रिल से महफूज किया गया है, और इस लोहे की ग्रिल के दरमियान ये सारा एरिया भिंड माउंट कहलाता है, जो कि शुमाल से जनूब तक 1 किलोमीटर और मशरक से मगरिब तक 600 मीटर के रकबा पर मुश्तमिल है। मकामी रवायत के मुताबिक टेक्सला के तमाम मकामात में से भिंड माउंट सबसे कदीम तरीन मकाम था, और खुदाई के इस रवायत को पूरी तरह से तस्दीक की गई है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये शहर पहले ही 3 मरतबा तबाह हो चुका है, और इंडो ग्रीक्स ने नए दरुल हुकूमत, जिसे अब सरकप कहा जाता है, कि बुनियाद रखने से पहले भिंड माउंट को दोबारा तामीर किया। सर जॉन हॉबर्ट मार्शल और उनकी टीम ने 1913 से 1934 तक खुदाई के दौरान दूसरे मकामात के साथ साथ भिंड माउंट के आसार या खंडरात भी दरियाफ्त किए। खुदाई के इस काम को सर मोर्टिमर व्हीलर ने सन 1944 से 1945 तक, और डॉक्टर मोहम्मद शरीफ ने सन 1966 से 1967 में जारी रखा था। मजीद खुदाई मोहम्मद बहादुर खान ने सन 1998 से 2000 तक, और डॉक्टर अशरफ और महमूद अल हसन ने सन 2002 में की, और दो अलग अलग सकाफती अदवार अहमेनी और मौरिया के आसार दरियाफ्त किए। दोस्तों, सर जॉन हॉबर्ट मार्शल के मुताबिक भिंड माउंट की तारीख दूसरी कबल मसीह से छठी कबल मसीह, इनके दौर में यहाँ सिर्फ दो हिस्से दरियाफ्त हुए थे। बाद की खुदाई के दौरान इन दो छोटे मकामात पर दूसरी बाकियात भी दरियाफ्त हुई। मशरकी कॉम्प्लेक्स, जिसका एरिया काफ़ी बड़ा है, घरों, शहर की सड़कों, निकासी आब का निज़ाम और सैनिटरी इंतज़ाम वगैरह पर मुश्तमिल है। जॉन मार्शल की खुदाई के नतीजे में दरियाफ्त होने वाले मगरबी हिस्से की शनाख्त एक मंदिर या मजार के तौर पर की गई है। दोस्तों, इस शहर का लेआउट शुमाल से जनूब 1 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 600 मीटर पर मुश्तमिल एक बेतरतीब शक्ल बनाए हुए है।
शहर की गलियां जाहिर करती हैं कि वो बहुत तंग थी। और घर बेतरतीब बने हुए थे। मंसूबा बंदी का बहुत कम सबूत मिलता है। बहुत सी गलियां प्लानिंग के बगैर हैं, यानी बेतरतीब हैं। घरों में खिड़कियां बाहर की तरफ खुलने की बजाय अंदर सहन की तरफ खुलती थी। सहन खुला था और इसके इर्द गिर्द 15 से 20 छोटे कमरे बनाए गए थे। और ऐसा लगता है कि छत की दीवारों पर लकड़ी के बीम दीवारों के साथ लगाए गए थे, जिन्हें मिट्टी और पानी के आमेजे से ढांप दिया जाता था। हर घर के सहन में एक कुआं था। ख्याल किया जाता है कि घरों की ये जगह अशराफिया यानी इलीट क्लास से ताल्लुक रखता था और ज्यादातर दीवारें चूने और कंजूर के मिक्सचर से बनाई जाती थी। दोस्तों, महकमा आसारे कदीमा ने भिंड माउंट के लिए जो सबसे पहला बोर्ड लगाया था वो बेसिकली ये। दोस्तों, भिंड माउंट में अखमीनी शहनशाह दारा अव्वल ने अपने टेढ़े सुलाखी सिक्के और आरामी तर्ज तहरीर रोशना की, जिनसे फट्टेदार सिक्कों और खुरूशती रस्म अलखत ने जन्म लिया। इसके अलावा भिंड माउंट से घरेलू मिट्टी के बर्तन, बड़े स्टोरेज जार, खिलौने, टॉयलेट ट्रे, नीम कीमती पत्थरों की मोतियों की माला, शीशे, हड्डियों और हाथी दांत की आशिया, डाक टिकट की मोहरें, धाती आशिया और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की मुतादित दूसरी आशिया भी दरियाफ्त की गई हैं। दोस्तों, 6वीं सदी कबल मसीह में अखमीनी शहनशाह दारा अव्वल ने गंदारा फतह किया और भिंड माउंट को सूबाई दारुलहुकूमत बना डाला। दारा दोम की शिकस्त के बाद टक्सला मुकामी हुक्मरान राजा अम्बी के तहत आज़ाद हो गया और ख़ुद मुख्तार रियासत बन गया। राजा अम्बी ने 326 कबल मसीह में सिकंदर आजम के सामने हथियार डाल दिया और टक्सला में उसे बतौर मेहमान लेकर आया और उसे हाथियों पर सवार फौजियों की एक फोर्स की पेशकश की। उस वक्त भिंड माउंट टक्सला का एक खुशहाल शहर था। यहाँ सिकंदर आजम की मुलाकात हजारा के बादशाह अबीसारा के सफीर कोतलिया और चंद्रगुप्त मौर्य से हुई और उन्हें अपने साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर किया। सिकंदर आजम ने राजा पोर्स से जंग करने से पहले यहाँ टक्सला में देवताओं के हुजूर कुर्बानियाँ दी और यहाँ अपना नायब मुकर्रर किया और साथ में एक फौजी दस्ता भी मुतय्यन किया।
दोस्तों 323 कबल मसीह में सिकंदर आजम की मौत ने उसकी वसी सल्तनत के ताने बाने तोड़ डाले। इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए मौर्य ख़ानदान के शहजादा चंद्रगुप्त ने हिंदुस्तान को अपने झंडे तले मुत्तहिद किया, यूनानी दस्तों को टेक्सला से निकाल बाहर किया और ख़ुद को हिंदुस्तान के बादशाह के तौर पर मुतारिफ करवाया। 305 कबल मसीह में चंद्रगुप्त ने मौर्यों के ज़ेर साया सल्वोकियों को शिकस्त दी, टेक्सला को सूबाई दारुलहुकूमत और एक अजीम तालीमी और तिजारती मरकज की हैसियत हासिल की। चंद्रगुप्ता के पोते अशोका के दौर में बुद्ध मत मजहब बहुत अहमियत अख्तियार कर गया और पहले बुद्ध मत के पैरोकार टेक्सला में आबाद हुए। कहा जाता है कि अशोका अपने वालिद के नायब बादशाह की हैसियत से यहाँ मुकीम था। मौर्यन सल्तनत के वली अहद सुसेमा, अशोका और केनाला जैसे अजीम शान हुक्मरानों ने भी इस शहर पर हुकूमत की। अशोका के बाद मौर्यन सल्तनत तहलील हो गई और दूसरे कबल मसीह में गंधारा और भीरमांड को इंडो ग्रीक्स ने जेर कर लिया, जिन्होंने अजीम शहर टेक्सला के दारुल खिलाफा को भीड़ माउंट से सरकप मुंतकिल कर दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आप कदीम टेक्सला के कदीम शहर के बारे में जनरल मालूमात से मुस्तफ़ीद होंगे। आपसे गुजारिश है कि इन साइट्स का विजिट खुद और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर करें ताकि अपने माजी के हवाले से आगाही हो सके। खुसूसी तौर पर जो बच्चे तालीमी दौर में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल्स में हैं, वो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ के माजी के हालात और वाक़ात से मुस्तफ़ीद हों। तो जनाब अगले व्लॉग में गंदारा तहसीब के किसी और अजीम साइट का विज़िट करेंगे, आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर फॉर योरसेल्फ। बाय बाय।